बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्त अहबाब को, फार्मिंग गाइड में खुश आमदीद। जो हज़रात जदीद वेजिटेबल फार्मिंग के ख्वाहिशमंद है, वो अपनी फार्मिंग शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, यकीनी नुकसान से बचिए। आपको एक किसान का तजर्बा आपसे शेयर कर रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं इसके मतलब ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। गुजारिश है, नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक करें। चलिए जी, शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम चाचू जी, की हाल है थोड़ा? ते चाचू जी, अपना तारफ ते कराए जरा। मेरा नाम शिपा। ते ऐ केड़ा पिंड है? देखो ते जिला नरवाल। हाँ जी, ठीक है। अच्छा चाचू जी, तुसा बड़ा सोहना सैटअप सब्जी का किया, जाल शाल लाए ने, बांस बूंस ला के, ते इतने की लाया जी? भला करेले। करेले किन्ने किले लाए ने? तो होर की लाया जी? कोई 10 किलो करेले ने, ते कोई 2.5 किलो तोरी ने। अच्छा, ते ऐ जिहड़ा जाल वाला नेट सिस्टम है, ये इहदा आइडिया तुहाडे ज़हन च किवें आया? किन्ने साल तू करदे होगे? ये जनाब सानू 4 साल हो गए ने। सही है। ते ये किन्ने मशवरा दित्ता सी अंज लाण दा? ये छनिया तो एक बंदा महकमे जाओ जफरवाल छनिया, उन्हें आखिया लाओ। वह हाँ कुछ 3 किलो लाया है पहले साल, बीघा एक। वो अस लाई करेली। ठीक है। पहले साल सानू सवाद पिया, वो कोई लाख दी कोई 8 बोरियां। ठीक है। रोज़ हाँ सानू 8 बोरियां ने जी वही लै गई है। वो फिर जनाब तोरा तुरया रहा, अगले साल फिर अस 2 किले लाए। ठीक है। अगले साल अस 6 किले ला दते। ठीक है, यानी वाधदा गया काम, 2 कनालों तो वाधदा गया। हाँ वाधदा गया। ठीक है। वो जनाब जो अं ना फिर वो जो घाटा पिया ना, उदो अं फिर ना 2 किले कर दते। ठीक है। 2 किले एक चोनी लाउनी है, वो कोई 10-20 हज़ार की लथनी है, तो कोई 10 हज़ार दियाँ स्प्रे कर देनी। ठीक है। यह जी आ गई जनानियाँ जी, नैट साफ करनी है, बंदे डेवे इन्ना खर्चा हो गया, फलान हो गया जी, काने करेले तड़ाओ, फलान हो गया, टीम गल कर दी, करद्या खुरद्या फिर बांस साढ़े को रह गए कोई 2-3 किलिया के, ऐसा कोई 4 किलिया का कर कुर के जोड़ जामा तो लाया। मनते नहीं है नाल दे नहीं ला, तो मैं चलो ऐरकों का साल ला के वेख लो, तो ऐरकों का दिल खट्टा हो गया साढ़ा। किस वजह तो खट्टा हो गया? की तुम्हें वेख्या कि तो करेलिया की काणी नहीं हटती? अच्छा, स्प्रेयां नहीं कीतियां? स्प्रे भी करी दी है। अच्छा, एक बार सफाई करी दी, फिर काण पै जाती है। चौथे 5वें दिन, तीसरे चौथे दिन करेला तोड़ी दा, और जे एक चोनी साफ करके ला ली दी है, मुड़ के फिर उही काम लियाओ जी, दुआओ करो। तोरी जिहड़ी है? तोरी जनाब मेरी घरों साडी बड़ी सेट रही है। अच्छा। 2 किले हलाई दी। ठीक है। और 200 का छापर, 150 का, 200 का, 150 का बिकता रहा, इंतजाम साडा ना वाह पूरा चलता रहा, वाह पैसे बटे। अच्छा, हुण असीं तुहाडे कोल ना खर्चे की गल पुछनी है कि जिहड़ा करेलिया का एक किला होवे, इहदे ते किन्ना खर्चा तुहाडा आ रहा होवे जां इस साल आया होवे? पहले नंबर ते इहदी वाही जिहड़ी है, ये इहदे ते किन्ना खर्चा आया तुहाडा? वाही जनाब साडियां घर दियां गड्डियां ने। अच्छा, तेल का खर्चा तो आया होगा? तेल पाली का जो वाही कर ली है, खेड़ा अपन गड्डिया का कर ली दी ने। ठीक है। वो अं खर्चा पाते ही नहीं जिमीदार। अच्छा, चलो अपना ही है, कोई गल नहीं खर्चा। ठीक है। अभी बीज का पाने, नैट शैट लाने, बांस का, तार का, जो भी है ना लुआई का, 13,000 रुपया किले का लुआई दें, नैट की लाउन की। ठीक है। नैट तो बांस किले किन्ने किले आई जाते हैं? ये बांस 1,000 बांस लगता है। ठीक है। तो मामूली तो 60 रुपए का ला लो, बहुत ना लाओ। ठीक है। वो हिसाब कर लो, तो दूसरा नैट है जोड़ा तार जाल 400 तो होंगे। ठीक है। एक तो 35 खेल आदि ने? हाँ 35 खेल हो जाए। ठीक है। तो ये बन जाता 14,000 का? हाँ 14,000 का नैट आ गया, तो 60,000 के बांस आ गए, तो 3 बंडल लगते हैं तारा के। ठीक है। एक हेठा तार होंगी, एक उत्ते होंगी। नैट ले 21,000 तारा हो गई, 10,000 का बीज पा लो। 10,000 का बीज? बीज तुम ना याद है कि कहड़ा करेले का बीज ला रहे हो? पहले साल मैंने पता, पहले साल भी उही लाया तो हूँ भी उही बदल के लाया? बदल के लाने। ठीक है। तो वो जरा फैसलाबाद ला गए, जरा लम्मा करेला वो लाया ही कभी? आँधे हने एक साल लाया ही, इतने लाया ही, सजे लाया ही किला एक। अच्छा, वो कैसा रहा है? वो बड़ा प्यारा करेला लगता है, यानी जेडे अक्सर लम्मा करेला। हाँ जी, वो बड़ा पसंद किया जाता, वह फल भी, उन्होंने बीमारी भी घट पैंती। हाँ जी। ठीक है। फल वह बिरला पैंता? अच्छा, बिरला पैंता लम्मा जो हों? करेला बड़ा कसर कट जाता। किन्ने का छापर विकया?
वो इन्ने तकरीबन विकया जसाया भी कदे हने इदो मासा तेज भी कदा। अच्छा हुण अजकल इहदा जिहड़ा करेले दा छापर तुहाडा किन्ने इकदा विकदा पिया? हुण दा तोड़े ही नहीं ने, हुण आई तोड़े नहीं, नहीं हजे नहीं तोड़े। ठीक है, अरे गोडियां गाडियां जो भी आ खर्चे उहदे नाल नाल ही हुंदे रहिंदे ने, उह तैनूं की हुण दस्सी। ठीक है, अच्छा हुण इह दस्सो कि जिहड़ी तोरी है, तोरी ते हरकी तुहाडा किन्ना खर्चा होया? तोरी ते भी उन्ना ही करेले च नहीं, करेलिया जी नहीं है वह बी किले से कि पैदा वह बी 10,000 का लग जाता किले का। ठीक है, तो ऐसा भी 10,000 का पै जाता, कि पत्तियां लाइया हजे 10 1,000 का पत्ता, 1,300 का आया। तो तोरी लैनी शुरू हो गई है कि नहीं? तोरी लैनी शुरू हो गई। तो मज़ा आ रहा हरकी तोरी का कि नहीं? बल्ले बड़ा सोहना मज़ा आ रहा। अच्छा किमें छापर वेकता पाया? ये हूँ वेकता पाया 50 रुपये का, मतलब रेट नहीं पै रहा ये, मतलब वेखो ना रेट की गल हों कभी रेट तेज़ हो जाता है, पर 250 का छापर वेखता 5 किलो हूँ तो तुम जो ना जे 10 रुपये किलो भी नहीं पै रही। ठीक है, मतलब ठीक है, तुम हूँ जो नवे बंदे ने इस पास आना चाहते हैं उन्होंने तुम दसोगे कि थोड़ा तजर्बा फ्लाप रहा हो तो लोगों को मशवरा दोगे क्या कर या नहीं दोगे? आईदा ने करके वेख लैन, करके वेख लैन, हो सकता उन्होंने रास आई रास पै जाए कि पता। ठीक है, क्योंकि मंडी का रेट होंगे कभी अप हों कभी डाउन होंगे, तो दूसरा इस दफा मौसम ही सब्जियों के हवाले ना कोई एडा अच्छा नहीं रहा, बारिशा होंगे नहीं, गिल सुख हों रही है, तो मौसम मुवाफक नहीं आया सब्जी ने, तो पानी का निज़ाम अपनी है थोड़ा? पानी का अपना। ठीक है, तो पानी जरा कि देर में लाते रहे हैं? पानी कोई हफ्ते के बाद लाईदा, हूँ पानी लाना ही नहीं, बारिशें शुरू हो गई, बारिशें शुरू हो गई हूँ नहीं लाना, हूँ दसो कढ़ना है बिचों अगर पानी हो तो पानी हो कढ़ना है, बल सुकना जाए सलाबा ना फट जाए। ठीक है, जे आड़ या जेठ भगया था ना हाड़ तो पानी आ फ्लड एक कीता। ठीक है, हूँ तुम दसना कि करेला जोड़ा है ये कि मौसम च लगता है? करेला जनाब मेरी हाँ असल करेले का मौसम है ना जरा ये असा गेतरा ला छे। अच्छा गेतरा ला छे, ये अद्ध हाड़ दे लावा चाहिए, अद्ध हाड़ दे लाने चाहिए। ठीक है, या फिर तपश मुक जाती है यदि उगदा उगदा तैयार होंगे फिर बारिशों में आ जाता। ठीक है, तो कभी टनल ना लाया सब्जी कि नहीं? टनल ना नहीं कभी लाई? नहीं, वो अर्गा रादा बन दिया अगू टनल ला के भी तजर्बा कर लेना। वो कद्दू लाए थे अस 2 किले। अच्छा लाए ने हूँ भी लगे लाए ने आ मेन के? अच्छा टर्बलन के हिसाब न? अच्छा हम टर्बलन लिया के लाने। ठीक है, कद्दू उत्ते चढ़नी सही वो जमैश लैनी है। सही है, कद्दू थोड़ा तैयार है हूँ? कद्दू वाल हो गया हाथ तू हम लाने उत्थे जाल जूल लाना कोई? हाँ जाल उत्थे लाना है, टर्बलन ला के ना असर। अच्छा जाल ला के तो फिर उत्ते वाला चाल कद्दू लेंदे नहीं भी थोड़े? नहीं हजे, मतलब भाई ये लाया थोड़ी देर ही हाथ वाला हुई ने हजे। ठीक हो गया, चलो जी अल्लाह करे थोड़े कद्दू नूं सही रेट लग जाए कि थोड़ा जे टनल तो ऐ हुंदा है वो थले लाग नहीं लगनी कद्दू नूं, थले साफ सुथरा कद्दू उत्ते रहना, बारिशां पैण जो मर्जी उहनूं मक्खी घोड़नी मसाल साफ रहना। सही, जिहड़ा थले ओपन है उहदे थले जंगाल जिहा लग जांदा इस तरह लगना, ऐ जिवें ऐ जाल नहीं लाया जाल लाउणा ऐ इस तरह ला के उत्ते वाला चढ़। ठीक हो गया, डोम टाइप जाल लाना है उत्तों दी? ठीक, उधरों वाला चढ़ना उधरों भी चढ़ना। ठीक हो गया, तरह घर थानी लम के। ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया, यानी डोम टाइप जाल जड़ा ना वो तो साल आना। ठीक है, अच्छा जिस साल तुम मुनाफा होया ही करेले च ते तोरी च ते खर्चा कट के तुम कि बच गया? रुपया बच गया कोई सू 2-3 लाख किले का पहले साल जिन्हें तुम इतों तक बचाया है। सवाद ले पहले साल मुनाफा फिर घटता घटता हूँ पल्यों पैन डे। ठीक हो गया, तो थोड़े रकबा वैसे अपना कि रकबा अपना जरा 18 किले मारती? अच्छा बाकी कोई ठेके भी लिया? बाकी सारी ठेके और बाकी जमीन की बेचते हो? बाकी कोई हलवा कद्दू लाया था 20 किले। अच्छा उहदा तजर्बा कैसा रहा तुहाडा? चंगे ने वो कद्दू लाने चाहिए ने? हाँ हलवा कद्दू। अच्छा उहदा कोई वेरवा कढ़ दो हां भाई, उहदा 20 किले का किन्ने अंक पैंदा किहड़े मौसम च नाले लगदे? उहदा 20 लगना दुहाणे नाल जो दुहाणा उस मौसम च वो लगदा? हाँ उस मौसम ते किले च किन्ने 10,000 का 20 लग जांदा? हाईब्रिड भी है ना जिहड़ा वध लगदा
15,000 ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਰ ਫਸਲ ਜੀ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਾਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦਵੋ ਨੰਬਰ 03-44-54-07-54-07। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।